अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहनिल अरबी। आप देख रहे हैं आरबी न्यूज़ राउंड अप। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। ISPR आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा किया। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन के ऑपरेशनल मामला सूबे खसूसन कराची की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। COAS को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान KTP पर अमल दरामद में सिविल इंतजामिया की तश्कील के तआवुन के बारे में भी बताया गया, जिसमें FWO, NLCO, NDMA की कराची में शहरी सैलाब से तहफ़ुज़ और मुतलका शहरी सहूलियात की बेहतरी के लिए मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए कोशिशें शामिल हैं। COAS ने कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए किए गए इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया। COAS ने अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए कैम्प और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। COAS ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के नफाज में तमाम स्टेक होल्डर्स की अहम आहंगी की कोशिशों को भी सराहा। बाद अज़ां COAS ने हेडक्वार्टर्स सिंध पुलिस का दौरा किया। आमद पर COAS ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। COAS ने सूबे में सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी को यकीनी बनाने में सिंध पुलिस के अहम किरदार को भी सराहा। COAS ने सिंध पुलिस शहदा के अहले खाना से भी बात की और इनकी कुर्बानियों का शुक्रिया अदा किया। COAS ने कहा कि इन्हें पाक फौज की हर मुमकिन हमायत का यकीन दिलाया। कबल अजी कराची पहुँचने पर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जी, आप देख रहे थे आरबी न्यूज़ राउंड अप। राउंड अप में मज़ीद खबरें जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।